नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। इमरान खान, पाकिस्तान और आर्मी, तीन ऐसी चीजें हैं जो कभी भी और किसी भी समय कुछ भी कर सकते हैं और दुनिया को और खुद पाक जनता को चौंका सकते हैं। इमरान खान पिछले 3 साल में पाकिस्तान, पाक जनता, पाक की अर्थव्यवस्था, महंगाई, रुपया सबको तहस नहस कर दिया है और इसका समर्थन पाक सेना करती रही है। इससे पहले नवाज शरीफ को हटाकर पाक आर्मी ने 3 साल पहले इमरान खान को पाकिस्तान की गद्दी सौंपी थी, लेकिन सेना को क्या पता था कि आगे चलकर उनका ही प्यादा इमरान खान ऐसा हो जाएगा। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। अब वही पाक सेना इमरान खान से छुटकारा पाना चाहती है और इसीलिए अब सेना दूसरी पार्टियों को समर्थन करना शुरू कर चुकी है। इसी बीच पिछले 3 साल से नवाज शरीफ को पानी पी पी कर कोसने वाले इमरान खान खुद ही चंदा चोरी के आरोप में घिर गए हैं। खबरों की माने तो पाक पीएम इमरान खान की पार्टी तहरीके इंसाफ पर आरोप है कि पार्टी को विदेशी नागरिकों और कंपनियों से जो पैसा मिला उसकी पूरी जानकारी नहीं दी है। पाक मीडिया की माने तो 2009-10 और वित्तीय वर्ष 2012-13 के बीच 4 साल के दौरान 31 करोड़ 20 लाख रुपए का चंदा छिपाया है। पाकिस्तान के प्रमुख अखबार डॉन ने स्क्रूटनी कमेटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के हवाले से ये बात बताई है कि सत्ताधारी दल ने वित्तीय वर्ष 2012-13 में करीब 14 करोड़ 50 लाख डॉलर कम राशि बताई है। डॉन की खबरों की माने तो पीटीआई के पास 26 बैंक अकाउंट हैं। 2018 से 2013 के बीच पार्टी ने ECP को 1.33 अरब पाकिस्तानी रुपए की धनराशि की जानकारी दी। हालांकि पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक SBP की एक रिपोर्ट में वास्तविक राशि 1.64 अरब पाकिस्तानी रुपए थी। पार्टी ने ECP को उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों में 3 बैंक खातों की डिटेल नहीं बताए हैं। पाकिस्तान में करीब 1,414 कंपनियों, 47 विदेशी कंपनियों और 119 संभावित कंपनियों ने इमरान खान की पार्टी को चंदा दिया। पार्टी को अमरीका से $23,44,800 मिले। पार्टी को चंदा देने वालों में 4,755 पाकिस्तानी, 41 गैर पाकिस्तानी और 230 विदेशी कंपनियां शामिल रहे। डॉन की रिपोर्ट में कहा गया है कि इमरान की पार्टी को अमेरिका के अलावा दुबई, ब्रिटेन, यूरोप, डेनमार्क, जापान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से भी चंदा मिला है। लेकिन इमरान खान की पार्टी PTI ने तो पैसे लिए लेकिन चुनाव आयोग को इस पैसे का हिसाब नहीं दिया। वहीं खबर बाहर आने के बाद पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है और PTI के नेता और सूचना प्रसारण मंत्री ने इस बवाल पर चुप्पी तोड़ी है और कहा है कि ये सब बकवास है, हमारी पार्टी सब कुछ चुनाव आयोग को बताती है। वहीं पाकिस्तान की विपक्षी पार्टी पीपुल्स पार्टी और नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग ने इमरान खान पर हमला बोल दिया है और कहा है कि कहां गया इंसाफ और कहां गया भ्रष्टाचार। देखना होगा कि इतनी बेइज्जती होने के बाद इमरान खान मुंह खोलते हैं या ऐसे ही चुप रहते हैं। फिलहाल इमरान खान चंदा चोर हो गए हैं।